कैसे हो दोस्तों, मॉन्स्टर हंटर के एक और एपिसोड पे तुम सबका स्वागत है। लास्ट टाइम मैंने हंट किया था एक ओडोगेरोन, और उससे पहले मैंने हंट किया था एक लगियाना, और हम रोटन वेल के और नीचे की तरफ गए थे। तो इस बार हम लोग स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, और हमने पिछले हंट को हमने एंड किया था रैथलोस को हंट करते हुए। तो स्टोरी के हिसाब से अभी जो नया मॉन्स्टर हमको करना है हंट, उस मॉन्स्टर का नाम है डियाब्लोस। डियाब्लोस से पहले ही हमारी मुलाकात हो चुकी थी, और डियाब्लोस का लोकेशन रहता है वाइल्ड स्पायर वेस्ट में, जो डेजर्टेड एरिया था। तो अभी मैं वही करने वाला हूँ, जाकर पहले हैंडलर से बात करूँगा, उसके बाद। लेकिन हैंडलर से बात करने से पहले सबसे पहले मैं जाऊँगा स्मिथि के पास। आई गेस स्मिथी के पास मैं चेकआउट कर चुका हूँ, तो सीधे ही चलते हैं हैंडलर के पास। और डियाब्लोस को मारने के लिए मैं इंसेक्ट ग्लेव का इस्तेमाल नहीं करूँगा। मुझे चाहिए, लेट्स सी, डियाब्लोस मैं यूज़ करूँगा लॉन्ग स्वॉर्ड का। हमारा कॉस्ट्यूम बहुत ही ज़्यादा लहराता हुआ है दोस्तों, जैसा कि तुम देख सकते हो। लास्ट एपिसोड में हमने लेगियाना का चेस्ट पीस क्राफ्ट किया था। तो चलते हैं हैंडलर के पास, और हॉर्न टायरेंट बिलो द सैंड्स। तो यार ये है डियाब्लोस का क्वेस्ट, तो मैं इसको कर लूँगा एक्सेप्ट। लेकिन हंट से पहले मैं कर लूँगा मील। लेकिन मेरे को यहाँ पर एक दिक्कत लग रही है, शेफ चॉइस प्लेटर में हमें हेल्थ बूस्ट ज़्यादा मिल नहीं रहा। तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधे ही हंट के लिए निकल लूँगा, और कैंपिंग के टाइम ही मैं कोशिश करूँगा कि कैंपिंग के टाइम पे ही मैं मील कर लूँ। तो यार पिछले एपिसोड में द फर्स्ट वाइवेरियन से भी हमारी बात हो चुकी थी, और उसने कहा था वो हमें ज़ोरा मैकडोरोस का लोकेशन सिर्फ तभी बताएगा जब हम इस इकोसिस्टम के एपेक्स प्रेडेटर बनेंगे। तो यार उसकी बातों से ऐसा लगता है कि जो रैथलोस और डियाब्लोस है वो अपने इकोसिस्टम के जो है वो एपेक्स प्रेडेटर्स है। और ये चीज़ सरप्राइजिंग है नहीं, क्योंकि उनके साइज को और उनके एग्रेशन को और उनके क्वेस्ट की डिफ़िकल्टी को देखकर ही ऐसा लगता है। और मैं ये पहले ही बता सकता हूँ, भले ही मैंने डियाब्लोस का क्वेस्ट अभी तक शुरू नहीं किया, डियाब्लोस के डिज़ाइन को देख करके, उसके दो बड़े सिंगों को देख करके ही ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहेगा वो, बिल्कुल एक सांड की तरह। काफ़ी टाइम से हमें वाइल्ड स्पायर वेस्ट पे कोई, सिर्फ वाइल्ड स्पायर वेस्ट पे ही नहीं, कुछ नए क्रिस्टल्स नहीं मिले। और जैसा कि आप देख सकते हो डियाब्लोस के पैरों के निशान और इसके पंजों के निशानों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि डियाब्लोस की जो टोज है उसमें सिर्फ दो पेयर के नाखून है। मतलब डियाब्लोस के तीन नाखून नहीं है, सिर्फ दो नाखून है। शायद यही वो कट सीन है जहां पर डियाब्लोस का इंट्रोडक्शन होएगा। लेकिन शायद डियाब्लोस को हराने से पहले हमें बैरोथ को हराना पड़ेगा। या फिर डियाब्लोस खुद ही
हैरोथ को हराएगा। बहुत ही ताकतवर इंट्रोडक्शन है दोस्तों, देख सकते हो डियाब्लोस का। तो इस कटसीन से दो चीजें पता चलती है, डियाब्लोस जो है वो जमीन पे गड्ढे खोद सकते हैं, और क्योंकि इसने बैरोथ को एक ही बार में अंदर ले लिया तो मेरे लिए हंट काफी मुश्किल होने वाला है, देखकर ही लग रहा है। बहुत ही धांसू एंट्री है, तो यार इसके सीन को ही देख सकते हो कितना ज्यादा डरावना है ये। हंट हो चुका है शुरू, मैं ल्यूरिन करूंगा इसको अपने पास और कोशिश करूंगा इसको फायरफ्लाई से मैं स्टन करने की। पास आ डियाब्लोस। तो मेरा अंदाजा सही निकला, डियाब्लोस अंदर घुस सकता है और हमको जमीन के नीचे से हिट कर सकता है, लेकिन इसको वॉल बैंक करने के लिए मेरे पास अभी कुछ है नहीं, कुछ मिल भी नहीं रहा इस मैप में। डियाब्लोस फिर से हमारे पीछे पड़ चुका है, और इससे पहले कि वो यहाँ आए मैं फास्ट फ्लाइज का यूज करके इसको स्टन कर दूंगा। यार बहुत ही खतरनाक चमड़ी है इसकी, मैं इसको हिट तक नहीं कर पा रहा। बहुत बुरा डैमेज था वो, मुझे लगा मैं उसके नीचे से रोल कर लूंगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ये मैं खत्म। कोई दिक्कत नहीं, पहला एनकाउंटर था और पहले एनकाउंटर के लिए बहुत एम्बैरेसिंग चीज़ है नहीं ये, वैसे मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। तो यार फिर से कोशिश करेंगे, और इस बार मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा कुछ स्लिंगर एमोस, क्योंकि मुझे नहीं लगता बिना स्लिंगर एमोस के इसको टेम करना बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। बोन पाइल मिल चुका है मुझे, तो मैं बोन पाइल से बोन कलेक्ट कर लेता हूँ, होपफुली कोई नए तरीके का बोन मिल सके इस बार। शायद नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ। और डियाब्लो उसको बस टेंडराइज करने के लिए मुझे बस मौका चाहिए, जैसे ही मुझे टेंडराइज का मौका मिलता है मैं उसके पैरों पे बार बार वार करूँगा, क्योंकि डियाब्लोस का जो हेड है वो मुझे नहीं लगता उस पर वार करने का कोई फ़ायदा है, क्योंकि हमारी तलवार ही बाउंस हो जा रही है। बहुत ही ज़्यादा अनफेयर फाइट है। तो ये कर लिया मैंने कलेक्ट जितने भी ओर्स वगैरह थे, डियाब्लोस को मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर लोर इन करने की। चल पासा, पासा इस तरीके से नहीं सही टाइम पे हमें रोल करना है, बढ़िया टाइम है, नाइस शॉट। और मैं अभी करूंगा इसके पैरों को टेंडराइज, पहला हिट, एक और, एक और, नाइस। भागना पड़ेगा, क्योंकि अगर ना भागे तो ये बंदा बेसिकली हैकर है, जमीन के अंदर से वार करता है।
बहुत बुरी टाइमिंग थी, थोड़ा पहले कर लेना चाहिए था फोर साइड स्लैश। मैं हट जाता हूँ इसके रास्ते से और खुद को कर लेता हूँ हील। स्लिंगर थ्रोन मार दिया है मैंने। नहीं 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 नहीं, तो यार एक और दिक्कत है ये, बाउंस होने के हमेशा बाद बंदा थोड़ा स्टन हो जाता है अपना हंटर, तो इसकी वजह से डियाब्लोस को अटैक करने के लिए थोड़ा और टाइम मिल जाता है। बढ़िया फोरसाइट, और ये हो चुका है अपना स्वॉर्ड चार्ज और स्पिरिट हेल्म ब्रेकर। नाइस शॉट, एक और बार। बहुत बुरी टाइम पे डॉज करा हमने, फिर से वो गड्ढा खोद रहा है। थोड़ा डिस्टेंस ले लेते हैं, अच्छी कोशिश से लिया आप लोग। एक और बार मैं इसको कर लेता हूं टेंडराइज। तो जैसे देख सकते हो मैंने इसका सींग तोड़ दिया है, और एक बार बहुत अच्छे अभी कोशिश करूंगा इसके सर को टेंडराइज करने के लिए, ताकि एटलीस्ट एक हिट पड़े सर पे। यार सर को कर लिया हमने टेंडराइज, लेकिन लेकिन उससे पहले मैं खुद को हील कर लेता हूं। और डियाब्लोस भागने लगा है, कोई दिक्कत नहीं, सर टेंडराइज है इसका, इसके शरीर टेंडराइज है, डैमेज इसको दे सकते हैं भरपूर। तो यार जैसा कि तुमने देखा, डियाब्लोस जो है वो इस डेजर्टेड एरिया में रहने के बहुत ही ज़्यादा काबिल है। उसके पूरे शरीर का डिज़ाइन ही इस तरीके से बना है कि वो इस डेजर्टेड एरिया का एपेक्स प्रेडेटर बन सके। बेसिकली उसके बड़े सींग इसलिए है ताकि वो रेत के अंदर से आराम से गड्ढा वगैरह खोद सके, और उसके दो नाखून भी शायद इसलिए है क्योंकि कभी भी किसी जानवर के अगर पांच क्लॉज रहते हैं, या फिर जैसे टीरेक्स का रहता है तीन आगे की तरफ क्लॉ रहता है और एक पीछे की तरफ क्लॉ रहता है, तो उससे उसकी रिट्रैक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। यार बहुत ही बुरी टाइमिंग थी फिर से, मैं करूँगा खुद को हील और वेट करूँगा डियाब्लोस के आने का। बढ़िया डॉज था, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं। कभी भी अंडरग्राउंड अटैक कर सकता है। बहुत अच्छे, तो यार टेंडराइज करने के बाद इसके हॉर्न्स को हम लोग अच्छे से डैमेज दे पा रहे हैं, और मैंने किया हेल्म ब्रेकर। नहीं 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 नहीं, बहुत बुरा टाइमिंग, मैं एनिमेशन पे अटक गया था। और जैसा कि तुम देख सकते हो, एक बार स्पिरिट हेल्म ब्रेकर के एनिमेशन में अटक जाए तो उसके बाद कोई दूसरा एनिमेशन प्ले नहीं होता। तो एक और बार कर दिया मैंने स्पिरिट गेज फुल, इसके रस्ते से हट जाऊंगा। मिस्ड को कर लूंगा मैं हील। और एक और एक और मैंने काट दी इसकी पूछ। नाइस शॉट, उस सेकंड शॉट के लिए मेरे को एंटिसिपेट कर लेना था। यार ये तो रुकने का नाम ही नहीं है मेरा। कर लेता हूं मैं हील, ऑलमोस्ट 1 HP हूं मैं। एक और, नाइस,
बहुत ही ज्यादा खूंखार है यार ये। फिर से मैंने शॉट किया मिस, बार बार मिस करने पर एक टाइम के बाद खुद ही को गुस्सा आने लगता है। लेकिन यहाँ पर मुझे शांत रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर जल्दीबाजी में डिसीजन लिया ज़्यादा एक्साइटेड हो करके तो डियाब्लो को और ही ज़्यादा मैं मौका दूंगा खुद को डैमेज करने का। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग शेप है डियाब्लो उसकी पूंछ का, एक त्रिशूल की तरह जिसके बीच का कांटा टूटा हुआ है। खैर जो भी है, अब मैं करूंगा डियाब्लोस का पीछा, होपफुली वो सामने ही हो, और यही है डियाब्लोस है सामने। तो यार बीच में गड्ढा है और डियाब्लोस है अरीना के सेंटर के थोड़े साइड पे, तो गड्ढे में नीचे गिरने का बहुत सारे चांसेस है। और जैसे ही ये नीचे जा रहा है मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही है। बढ़िया यार पोन अटैक, कोशिश करूंगा डियाब्लोस को एक स्टन देने का, क्योंकि लॉन्ग सोर्ड से एयरबोर्न अटैक बहुत कम ही मिलते हैं, या फिर एयरबोर्न अटैक करने के विंडोज बहुत कम मिलते हैं लॉन्ग सोर्ड से। तो कभी भी अगर लॉन्ग सोर्ड तुम यूज कर रहे हो और तुम्हें एयरबोर्न अटैक का मौका मिले तो उस मौके को मत छोड़ना। यूजली लॉन्ग सोर्ड के एयरबोर्न अटैक के मौके लेज से कूद करके या फिर किसी जगह से स्लाइड करके अगर हम अटैक बटन दबाए तो बहुत ही हल्का सा हमें एयरबोर्न अटैक का विंडो मिलता है। नाइस सेव, एक और चार मैंने पूछ पे अटैक कर दिया। तो मुझे पकड़ना है अभी इसका राइट पैर, तो राइट पैर में मैं करूंगा टेंडराइज। जैसा कि यार तुम देख सकते हो डियाब्लोस ऑलरेडी छटपटाने लगा है। गेम के गड्ढे खोदने के इफेक्ट्स भी बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। ये नहीं कि डियाब्लोस बस गड्ढा खोद के कहीं पर भी निकल जाता है, गड्ढा खोदते टाइम वो और उस गड्ढा खोदते टाइम उसके ट्रेवर्सल के टाइम पे वो पूरा जो अरीना है या फिर कह सकते हो पूरा जो टेरेन है उसी को डिफॉर्म करता रहता है। फालतू में ही वो दहाड़े पड़ा है तो उसी बीच में मैं ये मौका लूंगा, स्लिंगर टॉर्च कलेक्ट करूंगा और इसको एक हिट दूंगा। आई गेस डियाब्लो का जो नेस्ट है या फिर कह सकते हो डियाब्लो की जो गुफा है वो इसी तरफ है। डियाब्लो उसके भले ही पंख है लेकिन मुझे नहीं लगता वो उड़ सकता है इतने भारी भरकम शरीर को लेकर के, तो मुझे लगता है पंख जो है उसको बैलेंस देने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। एक हिट और वॉल बैंक, नहीं क्यों नहीं यार ये तो गलत है। फोरसाइट, स्पिरिट गेज कंप्लीट। बहुत बढ़िया टाइमिंग थी, जल्दी से स्पिरिट हेल्म ब्रेकर टच और कनेक्ट। नाइस फोरसाइट, यार डियाब्लोस की गुफा के अंदर हम उससे फाइट कर रहे हैं तो मुश्किल होने वाली है चीजें। बच गए हम लोग, डियाब्लोस के पैरों के एकदम बीच में से गुजर गए। बुरी टाइम, मुझे इतना ग्रीडी नहीं होना चाहिए था, मौका लेके खुद को हील कर लेता हूं और शायद वो फिर से वही अटैक मेरे पर करने वाला है।
डॉज। अरे बाप रे, काफी ज्यादा सरप्राइजिंग अटैक था वो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो डियाब्लोज यार हो चुका है खत्म। काफी बढ़िया हंट था, काफी नए मूव सेट थे। भले ही हंट में एक बार डेथ हुई हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं उस पर। एटलीस्ट बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग हंट भी नहीं था वो। तो यार डियाब्लोस की मैंने पूंछ तोड़ दी, मैंने डियाब्लोस के सर के सींग वगैरह तोड़ दिए। इसका डिज़ाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसा कि तुम देख सकते हो। एक डेजर्ट लिजर्ड और एक ट्राइसेराटॉप से इंस्पायर्ड। पूंछ के काटने का एरिया भी देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स डाली हुई है डेवलपर्स ने इस गेम में। तो यार डियाब्लोस हो चुका है ख़त्म। देखते हैं डियाब्लोस से रिलेटेड हमें कौन से नए वेपन्स, इक्विपमेंट्स या फिर आर्मर्स मिलते हैं। होपफुली हमने इतना मटेरियल्स कलेक्ट कर लिया हो। लूट को तो देखकर ऐसा नहीं लगता, बट देखते हैं डियाब्लोस से रिलेटेड मटेरियल्स कलेक्ट करके और क्या क्या चीज़ हम क्राफ्ट कर सकते हैं। तो यार सबसे पहले मैं जाऊँगा अभी स्मिथी के पास, लेकिन मुझे लगता है पहले कट सीन देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाइवेरियन कहते हैं, यू हैव असेंडेड टू द एपिक्स एंड प्रूव्ड योरसेल्फ, नाउ यू मे नो द सीक्रेट ऑफ द ड्रैगन दैट कैरीज अ माउंटेन ऑफ फायर ऑन इट्स बैक। द ड्रैगन होवर्स ऑन द ब्रिंक ऑफ डेथ, बट द लाइट ऑफ लाइफ इज कॉलिंग टू इट, drawing it away from its proper grave. It has wandered into the everstream and lost its way. Now it stands poised to perish there, brimming with fiery life, bringing energy. The everstream connects every corner of this land like the veins of a breed of a beating heart. Should the dragon succumb to death there, the glut of energy will hurtle through those veins, setting them afire and searing the land to ash and scorched earth. That's the dragon's secret. That shall be this land's fate. Nature's course cannot be swayed. तो यार बेसिकली जैसे कि फर्स्ट वाइवेरियन ने कहा, ओके पहले कटसीन देख लेते हैं उसके बाद मैं समझाता हूं। Thanks to the 5th fleet's diligent efforts, we've learned a number of things. One, that Zora Magdaros is heading for the Everstream. Two, that upon its death, it'll release the bioenergy it has stored. And three, that the Everstream is connected to every corner of the New World. So, if Zora dies inside the Everstream, its bioenergy will blast us all to hell. Commander, the Commission should make evacuation its first priority. I'll tell my sister to prepare her airship. There's no time. We don't have any choice but to take down Zora Magdaros. What? Blowing ourselves to oblivion is not what we're trying to do. Correct. And the whole reason we're here is to study the beast's role in the ecosystem, not erase it from the ecosystem altogether. I think I might have an alternative. What if we tried to lure it away from the Everstream somehow? Lure it away? Yes, sir. I did a little digging, and the Everstream borders the ocean, right? So if we can lure Zora Magdaros out onto the open water, we can mitigate the blast, and the bioenergy released would start a whole new ecosystem in the ocean. Life would go on. Need I remind you, sir, that we're currently short on supplies from our attempt to capture it. And even if we had enough supplies, what kind of weapon could get that thing to change its course? Don't worry. I have a plan. A very big plan. Is that what I think it is? Ho ho! Now we're talking!
Captain, you sure took your sweet time getting here. But we're happy you made it. Happy to be here. I brought everything you'll need. Ballista, cannon rounds, and a literal boatload of supplies. Not to mention a little surprise. The Guild supplied us with one hell of a ship. She's armed with the latest anti-Elder Dragon weapon. A Dragonator. Excellent. Just the weapon we need to drive Zora Magdaros out to sea. Hunters, it's time. Complete your preparations with speed and make your way to the Everstream. I'll explain the details on site. We can do this. We must do this. May the Sapphire Star light our way. Now, get moving. तो यार मैं तुम्हें बता देता हूँ कि लास्ट के मतलब लास्ट कट सीन में फर्स्ट वाइवेरियन ने हमें क्या एक्सप्लेनेशन दिया था. तो बेसिकली एवरस्ट्रीम एक ऐसा एरिया है न्यू वर्ल्ड कॉन्टिनेंट पे. तो हम अभी जहाँ पर वो न्यू वर्ल्ड है जो कि गेम के एकदम शुरू में हमें बताया गया था. और तो बेसिकली न्यू वर्ल्ड कॉन्टिनेंट में एक ऐसा लोकेशन है जिसको कहते हैं एवरस्ट्रीम. और एवरस्ट्रीम कनेक्ट करता है जितने भी सारे मैप्स हैं. तो जैसे कि मैं अभी मैप खोल के दिखाऊं तो यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा एस्टेरा, वाइल्ड स्पायर वेस, रॉटन वेल, कोरल हाइलैंड्स, एंशिएंट फॉरेस्ट. तो ये जितने भी सारे मैप्स हैं ना वो सब कनेक्टेड है एक एवर स्ट्रीम के थ्रू. तो उस एरिया के थ्रू जहाँ के कनेक्शंस जो है, जहाँ के जो अंडरग्राउंड कनेक्शंस कह सकते हो या फिर जो वो पानी के कनेक्शन कह सकते हो, किसी भी तरह के जो कनेक्शंस है, किसी भी तरह के इकोलॉजिकल कनेक्शंस है, तो वो एवर स्ट्रीम से कनेक्टेड है सारे मैप्स के साथ. ठीक है. और अगर ज़ोरा मैकडरोस मरने वाला है, यानी कि अगर वो न्यू वर्ल्ड पे आया है, क्योंकि उसको पता है कि उसका टाइम बहुत नज़दीक है और ज़ोरा मैकडरोस की डेथ होने ही वाली है, तो अगर वो एवरस्ट्रीम में जाकर फटता है या फिर एवरस्ट्रीम में जाकर मरता है, वैसे ज़ोरा मैकडरोस फटेगा नहीं, कोई भी एल्डर ड्रैगन जब मरता है तो वो फटता नहीं है, बट एल्डर ड्रैगन्स में बायो एनर्जी होती है ना. तो बायो एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो सकती है. और अगर ज़ोरा मैकडरोस एवरस्ट्रीम में जाके मर गया तो उससे जो बायो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो पूरे न्यू वर्ल्ड में आग लगा देगी. इतना ज़्यादा खतरनाक है ज़ोरा मैकडरोस का एग्जिस्टेंस. तो यार अभी हमें मिशन पे वही करना है, अभी हमें क्वेस्ट में वही करना है. ज़ोरा मैकडरोस को हमें रोकना है क्योंकि समंदर जो है, जो ब्लैंक ओशन है, वो बहुत ही करीब है एवरस्ट्रीम के. तो हमारा बेसिकली क्वेस्ट ये है कि ज़ोरा मैकडरोस को थोड़ा सा बेट करें ओशन की तरफ जाने में, ना कि एवरस्ट्रीम की तरफ. तो यार वो था ज़ोरा मैकडरोस का स्टोरी. तो अभी हमने जस्ट किया है डियाब्लोस का हंट. तो देखते हैं स्मिथी के पास मेरे लिए कुछ नया आर्मर है कि नहीं. तो डियाब्लोस आर्मर रेडी है और डियाब्लोस के वेस्ट पीस में मुझे मिल रहा है 1 पॉइंट ऑफ मैराथन रनर. काफ़ी अच्छा स्किल है यार. मैराथन रनर बेसिकली क्या करता है, तुम्हारे स्टैमिना को कंटिन्यूसली डिप्लीट होने से बचाता है. जैसे कि तुम देख सकते हो, रिड्यूस कंटिन्यूस स्टैमिना डिप्लीशन बाय 15%. तो मैं क्या करूँगा ना, इसके वेस्ट पीस को क्राफ्ट कर लूँगा और मैं कर लूँगा इसको इक्विप. बहुत ही अधेड़ सा वेस्ट पीस है जैसा कि तुम्हें दिख रहा होगा. तो यार नेक्स्ट मिशन से पहले या फिर नेक्स्ट क्वेस्ट से पहले कर लेते हैं सारे येलो मार्कर वाले एनपीसी से बातें. तो आर्मरी लेडी कहती है, हे हैव यू गॉट अ मोमेंट. In addition to standard issue weapons and armors, I have also been working on new specialized tools for our hunters. But I don't have all the materials I need. Think you could sign up for the on Nightmare's Wings quest? I've already asked provisions to put aside what I need once the quest is complete. All right. It doesn't have to be right away, but I definitely appreciate your help. Slave 5 Rapinos ka quest dalti hai ye. पावर कपल ठीक है. व्हाट्स नेक्स्ट. तो यार ज़ोरा मैकडरोस के हंट से पहले
मैं देखता हूँ मेरे पास कुछ ऑप्शनल क्वेस्ट या फिर कुछ इवेंट क्वेस्ट अवेलेबल है कि नहीं। तो यार जैसे कि तुम देख सकते हो ऑप्शनल क्वेस्ट काफ़ी सारे बचे हुए हैं, और स्टोरी को ख़त्म करने के लिए मुझे सारे ऑप्शनल क्वेस्ट्स को भी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मैं शुरुआत करूँगा लर्निंग द क्लच से। तो यार अभी के लिए आज के एपिसोड में जो पहला क्वेस्ट था हमारा वो था स्टोरी क्वेस्ट। तो आज मैं करूँगा, आज मैं ये एपिसोड रन करूँगा सिर्फ ग्राइंडिंग पे और ऑप्शनल क्वेस्ट वगैरह कंप्लीट करने के लिए। तो ग्रैपलिंग हुक का मैं ऑलरेडी बहुत ही मतलब अच्छा खासा बहुत ही अच्छा खासा होल्ड है मेरा क्लच क्लॉ पे। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्लच क्लॉ का एक ट्यूटोरियल है। ठीक है। First, let's go over the weapon attacks you can use while clinging to a monster. The type of attack depends on which weapon you have equipped. The one you're wielding now will make the monster drop slinger ammo. Before we move on, let's get the exact timing down. This is going to be important, so pay attention. If the monster is moving, you're going to have a tough time landing an attack while clinging on. Attack the monster first to make it flinch, and once it stops, hit it where it hurts. ठीक है। Okay, let's see if you can pull this off in practice. Pay close attention to the monster's movements and land your attack. Don't rush. Wait for the monster to flinch. अच्छा, मॉन्स्टर को पहले फ्लिच कराना है। तो कर लेता हूँ इसके ऊपर मैं ग्रैपल। Try to hit the monster's head while clinging onto it. It depends on the monster, but there are usually several body parts you can cling onto. You can move to different parts of the monster's body while clinging onto it, but you'll consume a lot of stamina. Make sure to get your aim right before going for. ये सब चीजें हमको पता है, लेकिन वही है ऑप्शनल क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए इसकी बातें सुननी पड़ेगी। Attack the monster first to make it flinch, and once it stops, hit it where it hurts. कर लेता हूं मैं इसके ऊपर ग्रैपल, और ये था फ्लिंच शॉट। दैट अटैक विल कंज्यूम ऑल ऑफ योर स्लिंगर एमो, बट इट कैन नॉक बैक मॉन्स्टर्स। लेट्स मूव ऑन। नाउ लेट्स लुक एट हाउ टू अटैक विद योर क्लच क्लॉ। यू कैन यूज दिस अटैक व्हेन क्लिंगिंग ऑनटू अ मॉन्स्टर्स हेड। अटैक द मॉन्स्टर फर्स्ट टू मेक इट फ्लिंच, एंड वंस इट स्टॉप्स hit it where it hurts. बेचारा जगरोसी सोच ही रहा होगा कहां फंसा दिया मुझे। बहुत ही स्टैंडर्ड सा फाइट है ये, क्योंकि ग्रेट जगरोस जो है, ग्रेट जगरोसी वो लेवल वन मॉन्स्टर है, और हम अभी बहुत आगे के लेवल पे पहुंच चुके हैं। Right. Now let's put everything you've learned so far into practice. This attack makes use of your surroundings.
और बहुत आगे लेवल पे पहुंचने के बाद हमारा डैमेज, हमारा आर्मर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ग्रेट जैगरॉस को मारना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो जल्दी से इस हंट को करते हैं ख़त्म। क्योंकि ट्यूटोरियल मॉन्स्टर है, इसकी हेल्थ खत्म ही नहीं होगी। तो यार वो था पहला ऑप्शनल क्वेस्ट जो मैंने कर दिया है खत्म। अब आगे के देखते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऑप्शनल क्वेस्ट। वैसे कहने के लिए तो काफी सारे ऑप्शनल क्वेस्ट हमें मिलते रहेंगे, लेकिन अगर सारे ऑप्शनल क्वेस्ट को हम लोग एक एक करके खत्म करते जाए तो उसी तरीके से हर एक ऑप्शनल क्वेस्ट के बाद कुछ नए आइटम्स हम लोग अनलॉक करेंगे। तो अभी मैं करूँगा फंगल फ्लेक्सिंग इन द एंशिएंट फॉरेस्ट। तो यार लगता नहीं कि ये कोई ऐसा क्वेस्ट है जिसमें हंटिंग करना हो। जैसे कि डिस्क्रिप्शन पढ़कर ही तुमने देख ही लिया होगा कि गैदरिंग क्वेस्ट है ये, हंटिंग क्वेस्ट नहीं है। तो एंशिएंट फॉरेस्ट में जा करके हमें कुछ चीज़ें गैदर करनी पड़ेगी, तो मैं वही करूँगा अभी। बस गैदरिंग के टाइम पे दिक्कत यही रहती है कि तुम कभी समझ नहीं पाओगे कि कौन सा गैदरिंग पॉइंट कहाँ पर है। स्टेप वन गो फाइंड सम, वही तो दिक्कत है, कहाँ पर ढूंढे और कहाँ नहीं वो डिसाइड करना तो मुश्किल ही है। और देखिए कौन है यहाँ पे, फूके फूके। लेकिन फूके फूके को अभी मैं करूँगा इग्नोर और चल दूंगा फंगल फ्लेक्सिंग क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। यूनिक मशरूम कॉलोनी। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली यार ये जो मटेरियल्स है हमें करने मशरूम्स को कलेक्ट, जैसे कि तुम टॉप राइट साइड पे देख सकते हो, डिलीवर गवर्नमेंट श्रूम कैप। तो श्रूम का या मतलब है मशरूम। तो बेसिकली मुझे कलेक्ट करने पड़ेंगे ये सारे मशरूम्स। और हाँ, किस्मत मेरी अच्छी है कि मैप में बहुत ही पास मशरूम का स्पॉन पॉइंट है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसके लिए। ऑलरेडी मैंने कर लिए हैं 14 मशरूम्स कलेक्ट। यूजुअली हर मशरूम के पेड़ पे या फिर हर मशरूम के स्पॉन पॉइंट में मुझे 7 से 8 मशरूम्स मिल जा रहे थे, लास्ट वाले पे ही मुझे सिर्फ एक मिला। तो यार ये है किस्मत का खेल, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, फिर से कोशिश करेंगे और इधर उधर देखेंगे कहाँ पर भी मशरूम्स वगैरह अगर स्पॉन होते हैं तो मैं कोशिश करूँगा नए मशरूम्स ढूंढने की और उनको कलेक्ट करने की। नया मशरूम लेकिन ये है पैराश्रूम। वैसे कहने के लिए तो ये भी गैदरिंग पॉइंट है लेकिन शायद उस तरह का मल्टीपल गैदरिंग पॉइंट नहीं है। और ये मिला है मेरे को एक वॉशरूम कैप, होपफुली यहाँ से 5 मशरूम मिल जाए। बस इतना ही, खैर जो भी है और मशरूम्स मुझे ढूंढने पड़ेंगे। तो बहुत ही लिमिटेड ट्रवर्सल है पानी के अंदर से जाने के लिए, पानी के अंदर तैर नहीं सकते, बस वो हल्का सा कट सीन प्ले होएगा और उतना ही ट्रैवर्सल है बेसिकली पानी में।
तो यार मुझे दिख नहीं रहे कहीं पर भी नए मशरूम के स्पॉन पॉइंट्स। एक और मशरूम, लेकिन इसको उठा नहीं सकते। और एक बार मशरूम कलेक्ट करने के बाद वो गैदरिंग पॉइंट फिर से कब स्पॉन होएगा उसका कोई अंदाज़ा नहीं है मुझे, तो वेट करने से बेहतर है आगे की तरफ मैं बढ़ूँगा। अरे यार नहीं 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 नहीं, ये सही नहीं है, ऊपर ही निकल जाता हूँ मैं, इससे पहले डायनासोर मेरे को सूंघ ले। बहुत ही अधेड़ टाइम पे आ गया है ये टीरेक्स। वैसे कहने के लिए क्वेस्ट गैदरिंग का है, लेकिन अगर इससे फिर मैं लड़ने लग जाऊं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्वेस्ट में टाइम ज़्यादा निकल जाएगा, बट क्वेस्ट इंटरेस्टिंग तो जाएगा, लेकिन वैसा करने का मुझे कोई मूड है नहीं अभी, तो मैं नीचे उतरता हूँ और देखता हूँ यहाँ पर कुछ नए मशरूम मिलेंगे कि नहीं। अपना लक बहुत ज़्यादा ख़राब है आज। तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ उसी स्पॉन पॉइंट में, देखता हूँ मशरूम फिर से। ओहो एक और मशरूम स्पॉन पॉइंट, नाइस। 17, 18, 19, एक और नहीं, कम ऑन। ओ वहाँ पर एक और स्पॉन पॉइंट मशरूम का। तो यार कलेक्ट कर लिए हैं मैंने सारे मशरूम्स, तो ये ऑप्शनल क्वेस्ट भी हो चुका है ख़त्म। आई गेस लेवल 1 ऑप्शनल क्वेस्ट में बस इतना ही था, क्लच क्लॉ को सीखने का और मशरूम को कलेक्ट करने का। तो दोनों ही क्वेस्ट मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ लेवल 2 ऑप्शनल क्वेस्ट में, और मोस्टली लेवल 2 ऑप्शनल क्वेस्ट जो है वो हंटिंग से रिलेटेड होंगे। ओके तो फिर से मैं जाऊंगा पोस्ट न्यू क्वेस्ट ऑप्शनल। तो यार देख सकते हो पहला पहले स्टार का ऑप्शनल क्वेस्ट हो चुका है कंप्लीट। दूसरे स्टार का ऑप्शनल क्वेस्ट में जाते हैं, पेन फ्रॉम गेम और एक्सटर्मिनेटर ऑफ द वेस्ट। तो पहले जाता हूं मैं पेन फ्रॉम गेम्स में, जिसमें मुझे ख़त्म करना है कुछ मछलियों को। कुछ खास है नहीं, इसको ऑटो सॉर्ट में फिर से कर देता हूँ। तो यार ओकेशनली कभी कभी हंट में जाने से पहले मैं ऐसे अपनी इन्वेंटोरी चेक कर लेता हूँ, अपने आइटम बॉक्स को चेक कर लेता हूँ, ताकि पता चले कि यार कौन कौन से आइटम है मेरे पास, कौन कौन से नहीं। ओह चमगादड़, कुछ नई हड्डियां नहीं। तो यहां पर भी एक डाइविंग लोकेशन है बेसिकली, तो यहां से मैंने कर लिया है डाइव और मैं बढ़ता हूं आगे। तो यार इस लोकेशन में लास्ट टाइम भी हम लोग खेल चुके हैं, तो तुमको याद होगा लास्ट टाइम जब मैं पहली बार वाइल्डस्पायर वेस्ट में आया था तब मछलियां कुछ यहीं पर ही मिली थी मुझे। तो मैं क्या करूँगा, इस लोकेशन पर जाऊँगा और मिल गए मुझे गजाउस और उनको मैं हंट करूँगा। दो गजाउस हो चुके हैं ख़त्म, गजाउस को मैं कर लूँगा लूट और आगे की तरफ बढ़ूँगा। तो यार दो लोकेशन से अगर जाओगे, एक तो ये वाला और दूसरा है जहाँ पर हमें सबसे पहले यूरा टोटस मिला था। तो सबसे पहले लोकेशन पे तो
सबसे पहले लोकेशन पे तो मैंने हंट कर लिया है, अब चलता हूँ मैं आगे के लोकेशन पे। और फर्स्ट वाइवेरियन यहाँ पर खड़े हैं, बात करके देखते हैं। द एरिया नोन एज फोर इज द मोस्ट डेंजरस, इट सीम्स 18% ऑफ हंटर हैव कोलैप्स्ड हियर, ओके यू कैन हैव दिस। और उसने मुझे दिया है डीमन पाउडर। ओके तो और गजाउज मिल चुके हैं हमको, पूरी फीस्ट है यहाँ पर गजाउज की। तो यार मिशन खत्म, बहुत ही आसान मिशन था, बहुत ही छोटा क्वेस्ट था। ऑप्शनल क्वेस्ट यूजुअली ऐसे ही होते हैं, कुछ कुछ क्वेस्ट ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े रहते हैं, कुछ कुछ क्वेस्ट ऐसे रहते हैं बहुत छोटे रहते हैं, कुछ कुछ क्वेस्ट गैदरिंग के रहते हैं। गजा उसका डिजाइन देखकर ही लग रहा है बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है कैटफिश से। मेरी ये चीज़ ना समझ नहीं आता, ये हमेशा पेट को ऊपर करते हुए क्यों मरते हैं, बट एनी हाउ। तो यार ये था पहला ऑप्शनल क्वेस्ट हमारे लेवल 2 ऑप्शनल क्वेस्ट के सेट्स का। तो गजाउस को कर लिया है मैंने हंट, अब मैं मूव ऑन करूंगा। ओ काफी अच्छे लूट मिली है इस बार। तो गजाउस को कर लिया है मैंने हंट, अब मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ नेक्स्ट ऑप्शनल क्वेस्ट में, देखता हूँ वहां पर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो एक्सटर्मिनेटर ऑफ द वेस्ट, तो यहाँ पर मुझको हंट करने हैं वेस्पॉइड्स, 14 वेस्पॉइड्स। तो वेस्पॉइड्स यार तुमको बेसिकली याद होगा कि बहुत छोटे छोटे मच्छर जैसे प्राणी होते हैं, छोटे तो नहीं कहूँगा, काफ़ी बड़े साइज के मच्छर होते हैं। तो वेस्पॉइड्स के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा बता दूँ, वेस्पॉइड्स किस चीज़ से इंस्पायर है। वैसे कहने के लिए तो ये तो मच्छरों से इंस्पायर्ड है, लेकिन लेकिन अगर तुम्हें अर्थ की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी दिलचस्पी होगी तो तुम्हें पता होगा अर्थ पे एक टाइम था जिसको कहते थे कार्बोनिफरस पीरियड, जितना मेरे को याद है, मेरे को अच्छे से याद नहीं है। तो कार्बोनिफरस पीरियड के टाइम पे जो ऑक्सीजन का लेवल था अर्थ पे वो बहुत ज़्यादा था, और उस टाइम पे जो कीड़े वगैरह थे, जो भी नॉन वर्टिब्रेट्स एनिमल्स वगैरह थे, उनका जो साइज था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इंक्लूडिंग मच्छर। तो इसका मतलब तुम समझ सकते हो जो ड्रैगन फ्लाई वगैरह जो होते हैं, या फिर कह सकते हो कि जो कीड़े वगैरह होते हैं, जो आर्थ्रोपोड्स वगैरह होते हैं, उनका जो साइज़ है ना वो लगभग 6 फुट तक चला जाता था। तो उस हिसाब से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस समय के मच्छरों का साइज़ कितना बड़ा होगा। तो वेस्पॉइड्स को मैंने कर लिया है ख़त्म, अब इनको कर लेता हूँ मैं लूट। या सिर्फ 4 वेस्पॉइड्स मिले मुझे इस टाइम पे। घरी स्पॉन पॉइंट मुझे पता नहीं कहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं, और ढूंढ लेंगे। रात का समय है यहाँ पे वाइल्ड स्पायर वेस्ट पे, और ये एक और वेस्पॉइड, और ये वेस्पॉइड ख़त्म। बहुत ही अलग दिखता है वाइल्ड स्पायर वेस्ट रात के समय पे।
और क्योंकि रात का समय है, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि जितने भी मॉन्स्टर्स वगैरह है, जैसे बैरोथ हो गया या फिर यूराडोटस हो गया, वो सब सोने ही गए होंगे. आई मीन और क्या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है मॉन्स्टर्स के एब्सेंस का. तो यार और वेस्पॉइड्स ढूंढने हैं मेरे को, लेकिन मुझे दिख नहीं रहे. गजाउस दिख गए मुझे. साइड में चलते हैं क्योंकि पानी में वैसे ही अपना मूवमेंट स्पीड स्लो है. यहाँ पर भी वेस्पॉइड्स मुझे दिख नहीं रहे. शायद एक ही लोकेशन था वो वेस्पॉइड का, वाइल्ड स्पायर वेस्ट में, और ये वेस्पॉइड हो चुके हैं रीस्पॉन. आई गेस यही लोकेशन है क्योंकि काफ़ी जल्दी जल्दी, जैसा कि तुम देख सकते हो, वेस्पॉइड्स वगैरह रीस्पॉन हो रहे हैं. सारे वेस्पॉइड्स खत्म हो चुके हैं और मुझे अभी कलेक्ट करना है कुछ और स्लिंगर एमोस ताकि और वेस्पॉइड्स आए तो उनकी भी बजा सकूं. 12 out of 14. हाँ, और दो वेस्पॉइड्स मिल जाए बस ये क्वेस्ट उसी समय ख़त्म. आगे चलकर देखता हूँ, क्या पता वेस्पॉइड्स का स्पॉन पॉइंट थोड़ा अभी टाइम लगे. क्योंकि ये एरिया ज़्यादा स्वाम्पी नहीं है या फिर यहाँ पर ज़्यादा कीचड़ वगैरह नहीं है, तो मुझे नहीं लगता वेस्पॉइड्स वगैरह इस एरिया में मिल सकते हैं. सिर्फ दो ही एरियाज बचते हैं तब तो, एक तो ये वाला हिस्सा और एक तो यूराटोटस के पास का हिस्सा. तो वही है यार, गेम के नियम है, मैं कुछ नहीं कर सकता. वहीं पर मुझे वेट करना पड़ेगा वेस्पॉइड्स का, या फिर कह सकते हो बड़े साइज्ड ओवर साइज्ड मच्छरों का. अभी तक रिस्पॉन नहीं हुए. थोड़ा एक्सप्लोर करके आते हैं तो फिर आगे की तरफ. वहाँ पर मुझे ग्रीन सिंबल दिख रहा है, देख के आता हूँ वहाँ पर क्या हो सकता है. ओके, हेल्पिंग पैलिको, इन दोनों को देखो, जीते जागते कबीले वाले. खैर यार वेस्पर्स तो मुझे मिल नहीं रहे, चाहे कितनी भी कोशिश करूँ ढूंढने की. तो फिर से उसी लोकेशन पे जाऊंगा मैं जहाँ पर सबसे पहले मुझे वेस्पॉइड्स मिले थे. होपफुली उनका रिस्पॉन टाइम अभी तक ख़त्म हो चुका होगा. ये कोई नया एरिया लग रहा है, एक गुफा लग रही है ये. एनी हाउ, यार अभी तक वेस्पॉइड स्पॉन नहीं हुए. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग गलत जगह पे तलाश रहे हैं.
काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है इस मिशन को, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए इतने छोटे से मिशन के लिए या फिर इतने छोटे से क्वेस्ट के लिए। तो एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ अपने लोकेशन पे और देखता हूँ वेस्ट पॉइंट्स और कहाँ पर मिल सकते हैं। यहाँ पर शायद नहीं, ये एक नई जगह है। खैर यहाँ पर मिल गए मेरे को वेस्ट पॉइंट्स, बहुत नाइस। यार कोई सेंस नहीं बनता वेस्ट पॉइंट्स का इन जगहों पर मिलने का, क्योंकि यहाँ पर ना तो पानी है, झरना है, लेकिन यहाँ पर स्टैग्नेंट वाटर नहीं है और मच्छर यूजुअली स्टैग्नेंट वाटर पे ही घूमते हैं। खैर जो भी है यार, बहुत ही बोरिंग सा क्वेस्ट था, पर चलो अच्छा है, एटलीस्ट ख़त्म हुआ। और इस क्वेस्ट को ख़त्म होने के लिए 60 सेकंड्स का टाइमर मुझे दिया गया है, पता नहीं क्यों, जबकि मॉन्स्टर को कैप्चर करने के बाद सिर्फ 20 सेकंड्स का टाइमर रहता है। तो यार ये क्वेस्ट हो चुका है ख़त्म, शुरू करते एक और ऑप्शनल क्वेस्ट से जो है स्पेशल अरीना टू बी कडाची। तो यार एटलीस्ट इतने टाइम बाद एक मज़ेदार क्वेस्ट आया करने के लिए, तो मैं करता हूँ चेंज इक्विपमेंट और टू बी कडाची को मुझे अभी ख़त्म करना है ग्रेट स्वॉर्ड से। इक्विप कर लिया है मैंने डिफेंडर ग्रेट स्वॉर्ड और चल दिया मैं टू बी कडाची की बचाने। ये एक नया मैप है, ओके तो ये यार ये बेसिकली है स्पेशल अरीना, मतलब मॉन्स्टर्स को एक मैप में नहीं या फिर एक बहुत बड़े बायो में नहीं बल्कि एक अरीना में लड़वाया जाता है ग्लैडिएटर्स की तरह। तो टेक्निकल टर्म्स में वैसे तो ये एनिमल अब्यूज़ है, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं है क्योंकि मैं एक एनिमल अब्यूज़र हूँ। तो यार ये है टू बी कडाची और मैं करूँगा इसके ऊपर जंपिंग अटैक। पहली बार में ही जंपिंग थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो चुका है और कोशिश करूँगा मैं इसको एक वॉल बैंक देने का, और वॉल बैंक देने से पहले मैं इसको करूँगा स्टन। टू बी कडाची का म्यूजिक बड़ा खतरनाक है, उस टाइम पे मुझे शोल्डर टैकल करना चाहिए था ताकि मैं इसके रोर को काउंटर कर सकूं, बट कोई दिक्कत नहीं। ओ बहुत बढ़िया अटैक था उसका, यह अटैक मैं पहली बार देख रहा हूँ वैसे, लास्ट टाइम जब मैंने टोबी कटाची को हंट किया था यह अटैक उसके आर्सेनल में था नहीं, पर कोई दिक्कत नहीं। मेरी गलती और यहां पर मैं हो गया हूं स्टन। यार ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा,
miss. Dodge roll. सेकेंड चार्ज पे ही मुझे अटैक कर लेना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं. बहुत ही कम डैमेज किया, फुल अफिनिटी में डैमेज गया नहीं, तो मैं पहले पीछे जाके खुद को कर लूंगा हील, वेट करूंगा इसके आने का. और कर लिया है मैंने स्टन, एक चार्ज लेस बस. यार ये भी मिस, बहुत ही बुरी तरीके से बुली हो रहा हूं मैं यहां पे. बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. वन टू और क्लोज इनफ. तो देख सकते हो बहुत ही सही टाइम पे मैंने उसको शोल्डर टैकल काउंटर किया. तो शोल्डर टैकल कैसे काम करता है ना, किसी भी अटैक से अगर शोल्डर टैकल करोगे तो उस अटैक के थ्रू हंटर चला जाएगा, और अगर तुम रोर के थ्रू शोल्डर टैकल करोगे तो डैमेज बहुत कम होगा. डॉज रोल. बुरी टाइमिंग. इसके शरीर को मुझे टेंडराइज कर देना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं. और ये ट्रू चार्ज स्लैश, वाइट डैमेज गया इसको, ऑरेंज डैमेज नहीं गया. इसका मतलब यह है मुझे टेंडराइज करना ही पड़ेगा. और यार टोपी कड़ाची खत्म. काफी स्विफ्ट अटैक्स है तो भी कदाची के, बहुत ही तेज अटैक्स. यूजुअली मॉन्स्टर हंटर में जिनका वेन वेपन जो ग्रेट स्वॉर्ड रहता है ना, वो मॉन्स्टर के हर अटैक के इर्द गिर्द का नॉलेज रखते हैं. मतलब उनका हर एक मूव सेट, उनका हर एक एंटिसिपेशन उन प्लेयर्स को पता रहता है, जो भी प्लेयर ग्रेट स्वॉर्ड वगैरह को बहुत अच्छे से मास्टर कर लेते हैं. मैं उन प्लेयर में से एक नहीं हूँ, लेकिन जिन लोगों के साथ भी मैंने खेला है, जिन्होंने ग्रेट स्वॉर्ड की मास्टरी कर रखी है, वो कहीं पर भी एक रैंडम पोजीशन पे खड़े हो जाएंगे एक मॉन्स्टर का एनिमेशन को देखकर, और जैसे ही वो कॉम्बो को फिनिश करेंगे मॉन्स्टर का सर बिल्कुल ही उसी एनिमेशन के एंड पे उनके स्वॉर्ड के आगे रहेगा. तो यार बहुत अच्छे से उनको मॉन्स्टर के एनिमेशन नॉलेज, उनको मॉन्स्टर का मूवसेट का नॉलेज रहता है. और जितना ग्रेट स्वॉर्ड प्रैक्टिस करोगे उतना ही मॉन्स्टर के मूवसेट से तुम्हें वाकिफ होना पड़ेगा. जॉइन क्वेस्ट नहीं, पोस्ट क्वेस्ट, आदत से मजबूर हूँ. लेवल 4 और टिट्जिया को परसिस्टेंस पेस्ट, रॉटन थिंग टू डू और नाइटमेयर्स विंग. तो यार सबसे पहले कर लेते हैं बोरिंग क्वेस्ट को, जो है परसिस्टेंस पेस्ट्स, जो कि हमें मिलेंगे रॉटन वेल पे. और उसके लिए मैं उठाऊंगा लॉन्ग स्वॉर्ड, क्योंकि लॉन्ग स्वॉर्ड जैसे कि मैंने कहा था, वेपन का जो स्वीपिंग रेंज होता है, या फिर कह सकते हो वेपन का जो हिटिंग रेडियस होता है, वो बहुत बड़ा होता है, जिससे मल्टीपल मॉन्स्टर्स को एक ही बार पे डैमेज दे सकता हूँ. तो मुझे मारना है 14 हॉर्निटोस को, और हॉर्निटोस बेसिकली वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो यहाँ पर मिलते हैं, जैसा कि तुम देख सकते हो ये है हॉर्निटोर. तो ये हॉर्निटोर ख़त्म, ये एक और हॉर्निटोर ख़त्म,
तीन, कमी नहीं है इन लोगों की यहाँ पे। मैंने अभी जस्ट एक सेकंड पहले कहा कमी नहीं है और इसी मोमेंट हॉर्नेटोर्स की कमी महसूस होने लग गई। व्हाट एन आयरनी। कोई दिक्कत नहीं, और ढूंढ लेंगे। हॉर्नेटोर्स, हॉर्नेटोर्स आगे चल के देखते हैं। तो यहाँ पर मिल गए मुझको। अरे बाप रे, इन मकड़ियों को देख रहे हो दोस्तों? तो यहाँ पर काफ़ी हॉर्नेटोस पड़े हुए हैं, ऐसा लगता है यहीं पर हमारा क्वेस्ट जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। बस एक और आखिरी बचा है और वो मिल गया आखिरी हॉर्नेटोर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही छोटा मिशन। यहां पर जानवरों की हड्डियों को देखकर लगता होगा कि यहां से कितनी बदबू आती होगी। डियाब्लोस का जो वेस्ट पीस है वो बहुत ही ज़्यादा फनी लग रहा है हंटर पे, कि ये हंटर अपना काफ़ी स्लिम है लेकिन डियाब्लोस का जो ये कमर का पीस है, कमर का आर्मर है, ऐसा लग रहा है किसी ने इसको स्कर्ट पहना रखा है। बट एनी हाउ, हमें मतलब है आर्मर के डिफेंस से, हमें मतलब है आर्मर के स्किल्स से। आर्मर कैसा दिख रहा हो उससे मेरे को कुछ खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो यार ये हो चुका है रोटन वेल का एक ऑप्शनल क्वेस्ट और अभी नेक्स्ट क्वेस्ट में जाऊंगा, नाइटमेयर्स विंग। तो ये भी रॉटन वेल पर है और यहाँ पर मुझे मारने हैं रफीनोस को। तो मैं क्या करूँगा ना, कैंप नंबर 2 पे जाऊँगा। और मैं सेलेक्ट करूँगा इंसेक्ट्लेव, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया रफीनोस उड़ने वाले प्राणी हैं और क्योंकि उनको मैं हवा में मार सकूं, मैं इंसेक्ट ग्लेव ही उठाऊंगा। स्लिंगर आर्मर मिल चुका है मुझे। जितना मुझे याद है लास्ट टाइम से जो रफीनोस का जो लोकेशन है वो यूजुअली उस स्टेंच के आसपास होता है, उस बदबू के आसपास होता है। तो ये है यार रफीनोस। तो 2-3 हिट में खत्म हो जाते हैं ये। दो रफीनोस खत्म और बचते 3। तो यार और रफीनोस ढूंढने चला हूं मैं। यहां पर एक है मिस्ट, तो ये रफीनो भी खत्म। गीरोज हमारे पीछे पड़ चुके हैं पता नहीं क्यों, पर उनको करते इग्नोर और मैं चला रफीनोस के पीछे। हाँ,
यार मजे की बात तो यह है कि जिस भी स्मॉल मॉन्स्टर को मैं हंट करने निकला हूँ उसकी लोकेशन जल्दी मिलती नहीं है, लेकिन जो अनवांटेड मॉन्स्टर्स होते हैं वो हर जगह फैले हुए होते हैं। तो चार रफीनोज हो चुके खत्म, आखिरी रफीनो काफी ऊंचाई पर है जिस पे मैं पहुंच नहीं पा रहा। और यार इसी के साथ ये क्वेस्ट भी हो चुका है खत्म, बहुत ही आसान, बहुत ही क्विक। नेक्स्ट क्वेस्ट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है क्योंकि नेक्स्ट क्वेस्ट में हमें एक्चुअल हंट करने हैं बड़े मॉन्स्टर्स के। तो जितना टाइम बचा है उस टाइम में मैं ये मौका लेता हूँ कैप्चर नेट यूज़ करने के और कर लेता हूँ खुद के लिए कुछ पेट कीड़े कैप्चर। पेट कीड़े सुनकर ही बहुत ही अजीब सा टर्म लगता है, बट कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगा मैं उस लाइट को भी कैप्चर कर सकता हूं। कुछ कव्वे भी कैप्चर कर लेता हूं और देखता हूं हॉर्निटोर्स। टाइम अप, कोई दिक्कत नहीं, क्वेस्ट खत्म हो गया, उसी से मुझे मतलब था। तो यार अब मैं चलूंगा नेक्स्ट क्वेस्ट पे, तो देखते हैं अब नेक्स्ट ऑप्शनल क्वेस्ट मेरे पास क्या अवेलेबल है। तो वो है टिट्ज़ियाकू और द ग्रेट गीरोस। ठीक है, तो यार पहले मैं चलूंगा टिट्ज़ियाकू के क्वेस्ट पे और इसको जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए मैं उठाऊंगा डिफेंडर स्विच एक्स। तो समझ ही सकते हो मैं क्या करने वाला हूँ। पहले तो इसको नॉर्मल हिट से अपना स्विच एक्स चार्ज और फिर इसके मुंह पे स्विच एक्स डिस्चार्ज। और शुरू है तलाश टिट्ज़ियाकू की। बड़ा ही अजीब सा नाम है टिट्ज़ियाकू। एनी हो, यूजुअली उसके नेस्ट के पास ही हमें मिल जाना चाहिए टिट्ज़ियाकू। तो फुटप्रिंट्स ही कलेक्ट करता हूँ चलूंगा मैं, और ऐसा लग रहा है स्काउट फ्लाइज ने टिट्ज़ियाकू की सेंट पकड़ ली है। और भी काफी सारे फुटप्रिंट्स, पंजों के निशान। और शायद स्काउट फाइज ने पकड़ ली है सेंट, और मैं मिनी मैप में भी टिट्ज़ियाकू का लोकेशन देख सकता हूं। तो चलो चलते हैं उसको रीलोकेट करने। कहाँ रीलोकेट करना है तुमने पूछा, तो वो है आफ्टर लाइफ पे। वेट करूंगा एक अच्छे विंडो का और वहीं पर उसका जबड़ा पकड़ के मैं उसको करूंगा वॉल बैंक। कर लेता हूं मैं इसको टेंडराइज। हाँ
बहुत ही सही। इसके सर पर कर लूंगा मैं ग्रैपल और फिर से करूंगा एलिमेंट्री डिस्चार्ज। और भी खतरनाक डैमेज यार, इसका ये मूव बहुत ही अनोइंग लगता है मुझे। और अनोइंग इसलिए लगता है क्योंकि बहुत ही चीटिंग के तरीके से वो डैमेज करने का मौका इसको मिल जाता है। और जैसा कि तुम देख सकते हो ये ऑलरेडी लड़खड़ाने लगा है, काफी छोटा हंट होने वाला है ये। और मैं खुद को हील नहीं कर रहा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हील करने की अभी जरूरत भी है। मिस हो गया, अगर वो हिट लग जाता तो हम इसके ऊपर सवार हो सकते थे। एनिमेशन पे अटक चुका हूं मैं, पर कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया डॉज। इसके सर, अरे नहीं 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 नहीं, इसके सर के पास हो जाऊंगा सवार और इस पर करूंगा एलिमेंटल डिस्चार्ज। और टेक्सिया को हो चुका है खत्म, क्वेस्ट हो चुका है कंप्लीट। स्विचैक्स में डिफेंसिव ऑप्शन बहुत ज्यादा है नहीं, या फिर इवेजन ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है नहीं, तो स्विचैक्स अगर मेन वेपन है तो उसको यूज़ करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर तुम एनिमेशन पे अटक जाते हो तो बहुत ही कम चांसेस है कि मॉन्स्टर के जो भी अटैक्स है वो तुम पर लैंड ना करे। तो यार ऑप्शनल क्वेस्ट लेवल 3 भी हमने कर लिया है ख़त्म। शायद पूरा ख़त्म नहीं हुआ, शायद लेवल 3 के ऑप्शनल क्वेस्ट में एक दो और क्वेस्ट बचते हैं, पहले मैं वो देख लेता हूँ, उसके बाद लेवल 4 पे चलेंगे। तो मैं करता हूँ पोस्ट क्वेस्ट ऑप्शनल क्वेस्ट। ओके, लेवल 4 ऑप्शनल क्वेस्ट में एक और बचता है जो है रॉटन थिंग टू डू, मैं वो कर लेता हूँ सेलेक्ट और चल दूंगा मैं ग्रेट गीरोस की बैंड बजाने। चेंज इक्विपमेंट, इस बार मैं सेलेक्ट करना चाहूँगा लेट्स सी ग्रेट स्वॉर्ड हमने अभी जस्ट खेला, तो यार इसके लिए मैं सेलेक्ट करता हूँ चार्ज ब्लेड। अब ग्रेट गीरोस से तो पहले भी लड़ चुके हैं, महाराष्ट्र दर्शकों का फेवरेट मॉन्स्टर होगा ग्रेट गीरोस, तो चलो पता लगाते हैं ग्रेट गीरोस का। ग्रेट गीरोस के डिज़ाइन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो यार ग्रेट गीरोस का जो डिज़ाइन है वो इंस्पायर्ड है बेसिकली छिपकली से, या फिर कह सकते हो कोमोडो ड्रैगन से। ये देख सकते हो, ये तो बेसिकली दिख ही रहे हैं कि कोमोडो ड्रैगन है, लेकिन ग्रेट गीरोस में एक और खासियत है कि उसका जो हेड है वो इंस्पायर्ड है बहुत ज़्यादा एक सांप से, एक कोबरा से स्पेसिफिकली। तो ग्रेट गीरोस जब भी अपना सर ऊपर करता है, और सर ऊपर करने से वो अपने गिल्स वगैरह को, या फिर कह सकते हो सांप जैसे अपना सर ऊपर करता है और वो हिस की आवाज़ निकालता है, उसी तरीके से ग्रेट गीरोस अपने सर को ऊपर करके सिग्नल देता है अपने इन छोटे मिनियंस को, या फिर कह सकते हो इन छोटे गीरोस को, और ग्रेट गीरोस इन छोटे इन छुटकू गीरोस को समन कर सकता है
या तो खाने की तलाश में, या तो मीटिंग की तलाश में, या सिंपली हमको मारने की तलाश में। तो यार यह है ग्रेट गिरोस। सबसे पहले मैं इसको करूँगा स्टन, स्टन नहीं वॉल बैंक। इसके बाद मैं इसको करूँगा, अरे यार स्टैमिना ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं। उसने मुझे शोल्डर टैकल दिया। तो यार देख सकते हो सांप की तरह, की सांप की तरह ये भी जहर फेंकता है। इसको मैंने अभी तक टेंडराइज नहीं किया यार, तो चांसेस है कि मैं इसको भरपूर डैमेज या फिर अपने पोटेंशियल जितना डैमेज नहीं दे पा रहा। और ये बढ़िया डैमेज था, मैं घिर चुका हूँ गिरोस से और उन्होंने मेरे को कर लिया है पैरालाइज, और बांकड़ विल्ले ने मेरे को कर दिया अनपैरालाइज। बहुत बढ़िया यार, इनके अटैक्स धीरे धीरे बहुत तेज होते जा रहे हैं। मैं फिर से पैरालाइज हो चुका हूँ, बांकड़ विले मेरे पास था। यार ऐसे होते होते तो मेरा गेम ओवर हो जाएगा। थोड़ा डिस्टेंस लेता हूँ, खुद को हील कर लेता हूँ। और शायद अभी सही मौका है सैवेज एक्स चलाने का, क्योंकि मैं वैसे ही घिरा हुआ हूँ। और घिरे हुए रहने के मौके पे सबसे बेस्ट तरीका यही है कि बड़े रेडियस का मैं अटैक करूं। और ये मैं कर चुका हूं अपने तलवार को भी चार्ज। ग्रेट गिरोस भाग रहा है। तो यार स्विच एक्स की ये एक और खास बात है, पहले हम क्या कहते हैं, जितने भी हंट्स में मिस हो गया, पहले हमें जितने भी हंट्स में थोड़ा ज्यादा बड़े रेडियस का अटैक चाहिए होता था, हम लॉन्ग स्वॉर्ड लेकर के जाते थे। लेकिन स्विच एक्स, क्योंकि स्विस आर्मी नाइफ है ये मॉन्स्टर हंटर का, ये हर काम एक ही साथ कर सकता है। स्विच एक्स नहीं, सॉरी चार्ज ब्लेड। ग्रेट गिरोस भी हो चुका है खत्म, बहुत ही मजेदार हंट था। दो बार हम लोग पैरालाइज हुए। तो यार मैं बात कर रहा था ग्रेट गिरोस की डिज़ाइन के बारे में। तो बॉडी का डिज़ाइन तुम देख सकते हो जो छिपकलियों से या फिर कोमोडो ड्रैगन से इंस्पायर्ड है, लेकिन तुम अगर हेड का डिज़ाइन देखोगे तो देख सकते हो बहुत ही सांप वाले फीचर्स दिख रहे हैं। और ये देखो उसकी गिल्स भी तुम्हें यहाँ पर दिख सकते हैं। तो ये गिल्स बेसिकली ग्रेट गिरोस यूज़ करता है कम्युनिकेट करने के लिए छोटे गिरोस से। और इसके दांत यूज होते हैं पैरालिसिस के लिए। तो यार ये है मॉन्स्टर हंटर गेम का एक और साइड, जहाँ पर सिर्फ स्टोरी को ही नहीं, तुम्हें नए वेपन्स या फिर
कुछ भी नए हिडन रिवॉर्ड्स के लिए तुम्हें ग्राइंड करना पड़ेगा, और ग्राइंड सिर्फ वेपन्स के नए पार्ट्स लाने के लिए ही नहीं, नए रिवॉर्ड्स लाने के लिए भी करने पड़ते हैं। जाकर स्मिथि के पास देखते हैं हमारे लिए कुछ नया है कि नहीं। तो यार स्मिथि, कुछ अच्छी खबर सुनाओ। फोर्ज इक्विपमेंट, आर्मर, अच्छा अपने लिए नहीं, एटलीस्ट अपने बिल्ले के लिए कुछ नया देखते हैं। तो यार बिल्ले के लिए काफ़ी सारे आर्मर्स और वेपन अनलॉक हो चुके हैं, तो बिल्ले को मैं देना चाहूँगा पैरालिसिस आर्मर, या फिर पैरालिसिस वेपन कह सकते हो, लेकिन देखकर लगता नहीं है पैरालिसिस वेपन अनलॉक है, स्लीप वेपन अनलॉक है, तो मैं बिल्ले को स्लीप वेपन दिलाता हूँ और बिल्ले को नया आर्मर भी दिला देता हूँ। तो बिल्ला आ चुका है अपने एकदम ड्रिप पे, तो देखते हैं आखिरी अपने पास कौन सा क्वेस्ट बचा है ऑप्शनल क्वेस्ट में। लेवल 5 ऑप्शनल क्वेस्ट, रीडिफाइनिंग द पावर कपल। तो इस क्वेस्ट में मुझे हंट करना पड़ेगा एक रैथलॉस और एक रैथियन को एक साथ। खैर वो हंट मैं करूंगा अगले एपिसोड पे। तो यार इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ कि मॉन्स्टर हंटर का ये ग्राइंडिंग पार्ट तुम्हें कैसा लगा। थोड़ा सा गेम एक टाइम पे रिपीटेटिव होने लगता है, लेकिन उस गेम के रिपीटेटिव होने का काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड भी हमें मिलता है। तो यार इस नोट के साथ मैं लेता हूँ तुमसे अलविदा, और मैं तुमसे मिलूँगा अगले एपिसोड पर।